दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, कल जैसे कि एलटी का एग्ज़ाम होना है और बहुत सारे लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि क्या क्या हमें वहां पर ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। इस बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है इस बारे में भी हम आपसे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी तैयारी कम्प्लीट कर ली होगी, ये आप सभी से आशा है, और आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार होंगे। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम आपके पास है, चाहे जिनका सुबह के स्लॉट में है या शाम के स्लॉट में है, दोनों में से जितने भी लोग हैं अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देंगे और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। वैसे तो आप लोगों ने जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको बताते हुए चलते हैं जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, अभ्यर्थी को अपने साथ क्या ले जाना है। दो पासपोर्ट साइज की आपको फ़ोटो ले जानी है, उसके साथ ही आपको या तो अपना आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है, या तो कोई अन्य आपको अपना पहचान पत्र ले जाना है, ठीक है। दो चीज़ें ये होगी। तीसरी चीज़ जो है, आपको मास्क पहना हुआ आपका होना चाहिए, ठीक है, बिना मास्क के आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और चौथा यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि आपको हैंड सैनिटाइज़र भी अपने साथ ले जाना है, और ये आपके ऊपर है कि आप लोग पानी की बोतल ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। और यदि आपको पानी की बोतल आप ले जाते हो तो उसे पारदर्शी बोतल में आपको रखना पड़ेगा, आप थर्मस वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, आपको पारदर्शी बोतल में वहाँ पर पानी ले जानी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ ही तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने और एग्ज़ाम में देखा होगा, जिनका टेम्परेचर हाई आता है उनको अलग से रूम आवंटित कर दिया जाता है, यानी कि उनको अलग रूम में रखा जाता है, लेकिन एलटी के एग्ज़ाम में उनको सीधे सीधे एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा या वो एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं जिनका टेम्परेचर हाई आएगा, ठीक है। ये मुख्य बातें यहाँ पर थी। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा कक्ष के अंदर उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त सभी अन्य सामग्री ले जाना पूर्णतया वर्जित है। तो आप सिर्फ ये चीज़ें लेके जाएंगे। क्या क्या हमने कहा, एक तो आपको आईडी ले जानी है, अपना आधार कार्ड, दूसरा दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, दो चीज़ें, और या तो ऑप्शनल आपके पास है आपको पानी की बोतल ले जानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है उसमें लिखा गया है कि आपको टाइम स्लॉट से पहले वहाँ पे एग्ज़ाम पे पहुँचना होगा, और आपके एडमिट कार्ड में वो टाइम स्लॉट लिखा गया है, उसको भली भांति देख लें और उस टाइम पे आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी, ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें, जिनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति वहाँ पर छूट जाएगी उनको अनुपस्थित वहाँ पर माना जाता है, तो आप लोग ये ज़रूर देख लें। और यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी उंगली सैनिटाइज करनी होगी अभ्यर्थी को, तो ये चीज़ें जो वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे था कि अभ्यर्थी ओमआर सीट पर उत्तर देने के लिए केवल आयोग के द्वारा दिए गए बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे, यानी कि आपको अलग से कोई पेन अपनी नहीं ले जानी पड़ेगी, ठीक है, आपको पेन एग्ज़ाम हॉल में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको उसी पेन का वहाँ पे यूज़ करना है। आप ना तो कोई दूसरी पेन ले जा सकते हैं, ना तो पेंसिल का यूज वहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको पेन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वही पेन मिल जाएगी। चौथा पॉइंट जो है वो महिलाओं से संबंधित है, यानी कि परीक्षा कक्ष में विवाहित महिला के धार्मिक अति आवश्यक आभूषणों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आभूषण पूर्ण वर्जित होगा। तो जो आपके धार्मिक आभूषण हैं विवाहित महिला के, सिर्फ वही वहाँ पे अलाउड हैं, बाकी आभूषण वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो महिलाएं ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पत्र व उत्तर पत्र पर लिखे गए समस्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें, ठीक है, ये चीज़ें आपके ऊपर है, ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है वहाँ पर। आठवां पॉइंट यहाँ पे है, अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के पश्चात ओएमआर सीट के ऊपर जहाँ छिद्र बने हैं, तो ये भी आप लोग देख लेंगे आपको कहाँ से आपका ओएमआर को फाड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको सिर्फ जब तक एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक परीक्षा हॉल को नहीं छोड़ना है और ना ही आपको वहाँ पे छोड़ने दिया जाएगा, ठीक है।
कान पर आपकी कोई भी डिवाइस नहीं होनी चाहिए या शरीर पर कोई भी डिवाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको पकड़ा जाता है तो आपको इस एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा और जितने भी आयोग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनसे आपको वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कभी कई अभ्यर्थियों के मन में है कि आप की एग्ज़ाम में जो कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड है वो ले जाया जाए या ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड ले जाया जाए, तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी एडमिट कार्ड वहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है कि जो भी एग्ज़ाम है यदि आयोग के द्वारा किन्हीं कारणों से किसी केंद्र को या किसी जिले की परीक्षा को पुनः कराई जाती है या वहाँ पे यदि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से वहाँ पे कभी एग्ज़ाम आयोजित होता है तो उसका मूल्यांकन नॉर्मलाइजेशन से होगा, और आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आप इन चीज़ों को ज़रूर से देखें, अपना एडमिट कार्ड ले जाएँ। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जानी है, उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड ले जाना है, और आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास ऑप्शनल है कि आप पानी की बोतल ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। यदि ले जाते हैं तो आपको थर्मस पे नहीं ले जाना है, आपको किसी पारदर्शी बोतल में ले जाना है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं, और इसके साथ ही आपको पेन वहाँ पे नहीं ले जानी है, ठीक है। पेन आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र आपको ज़रूर ले जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। तो जितने भी आपके धार्मिक आभूषण हैं किसी विवाहित महिला के, उनके अलावा कोई भी आभूषण वहाँ पे अलाउड नहीं है, और आपको ना तो पेन वहाँ पे ले जानी है, ना तो पेंसिल ले जानी है, ना तो ब्लेड ले जानी है, ना तो वहाँ पे कोई सफ़ेदा ले जाना है, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, तो आप ये चीज़ देख लें और अपने एडमिट कार्ड में अपना टाइम ज़रूर चेक कर लें कि कितने बजे का टाइम है और किस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो निर्धारित समय से पहले ही आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो वहाँ पे आप फिंगरप्रिंट है वो लिया गया है या नहीं लिया गया है, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा। बाय बाय।